हेलो दोस्तों, आप लोग यहां देख सकते हैं 10वीं क्लास के छात्रों के लिए नन हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर एकदम टिक लगा दीजिए, ठीक है। और ऐसे ही मैं आपको एग्जाम से एक दिन पहले हर विषय का क्वेश्चन पेपर दे दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके पास नोटिस चला जाएगा। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, नन हिंदी का, ठीक है। आपको मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करिए, पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको मिल जाएगा, पूरा ए टू जेड ऑब्जेक्टिव का आंसर मिल जाएगा। तो फटाक से वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया उस पर क्लिक करिए। अगर लिंक नहीं मिल रहा है ना, तो आप गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए, मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ कहाँ पर आपको मिलेगा। जैसा कि मैं यहाँ पर गूगल को ओपन किया, आप लोग भी गूगल ओपन कर लेना या फिर क्रोम ब्राउजर, और सर्च करना गूगल में mgbresult.com, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इसका डायरेक्ट लिंक दे चुका हूँ ताकि आप लोग को सर्च करने में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अगर आप लोग को लिंक नहीं मिल रहा होगा ना, तो mgbresult.com गूगल में आकर सर्च करना। तो मैं mgbresult.com गूगल में आकर सर्च किया तो मेरे सामने ये पेज ओपन हुआ। इसमें आपको लेटेस्ट अपडेट के जस्ट नीचे देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में मिलेगा लेटेस्ट अपडेट के जस्ट नीचे, नन हिंदी क्लास 10 तो वायरल ऑब्जेक्टिव आंसर की सेकंड टर्मिनल एग्जाम 2022, ठीक है। तो आप लोग इस पर फाइनली क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन होगा, यहाँ पर देख सकते हैं यही नन हिंदी का पेपर है, ठीक है। और उससे पहले इंपॉर्टेंट नोटिस आपको यहाँ पर बताया गया है, अगर आप लोग यहाँ से नहीं मिल ले पाते या फिर दिक्कत होती है यहाँ से आप लोगों को, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर करना। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सब्जेक्टिव का आंसर मिलेगा। सब्जेक्टिव का आंसर लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा सभी स्टूडेंट, ठीक है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले आप लोग ना अपने एग्जाम में देख लीजिएगा कि मेरा ये पेपर है कि नहीं, क्योंकि कई तरह का पेपर बनाया गया है, एक सेट वाइज बनाया गया है और एक बिना सेट वाइज। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी 10वीं क्लास नन हिंदी का है, ठीक है। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिएगा तो आपको यहाँ पर पहले देख लेना है, जो पहला क्वेश्चन है इस पेपर का वो है कि कवि ने स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात कही है, ठीक है। ये मतलब कि इस पेपर का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर यही पेपर आपको मिलेगा तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला लेना, अगर मिल जाएगा तो समझ लेना कि आपका किस्मत आपके साथ है, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे देखिए तो मैं पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 1, 2, 3, 16, 17, 18, 31, 32 सबका मैंने आंसर दे रखा है। आप लोग आइए और यहाँ से आराम से बिना कोई तकलीफ से है आप लोग यहाँ से डाउनलोड करिए और यहाँ से टिक लगाइए, ठीक है।